इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। है कि वो वैक्सीन बाहर से आ रही है, लेकिन एक जो परेशान कुन बात है वो ये है कि हम एज ए स्टेट नाकाम हो गए हैं वैक्सीन बनाने में। ये सवाल ना आता साहब, जरा हमने नाकाम का लफ्ज तो मैं नहीं इस्तेमाल करी, वो बैठ कह रहे हैं, लेकिन हम शायद कोशिशों में हैं। तो डॉक्टर साहब, वहाँ से क्या रिजल्ट्स हैं? जाहिर है पाकिस्तान में काफ़ी कोशिशें दिखाई दे रही थी, इनिशियल तो बड़े बड़े दावे भी हो रहे थे। अब किस स्टेज पर हैं हम, और जब जब हम वैक्सीन इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या उसकी सारी चीज़ों को मॉनिटर करके उसका रेप्लिका नहीं तैयार हो सकता यहाँ पर? जी, बात यह है कि पाकिस्तान में हमने बेसिक मैन्युफैक्चर में हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ही पीछे रही है। आप हिंदुस्तान से बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान का। पाकिस्तान में जो जो बुनियादी चीजें हैं, यानी कि बेसिक मैन्युफैक्चर, आप एस्पिरिन पैरासिटामोल तक बेसिक मैन्युफैक्चर नहीं करते। आप टैबलेटिंग और पैकेजिंग तो कर लेते हैं, लेकिन देयर इज हार्डली एनी बेसिक मैन्युफैक्चर। तो इसके लिए आपको अगर वैक्सीन जो है, आप एनिमल वैक्सीन का तो जरूर बनाते हैं कुछ, लेकिन पोल्ट्री वैक्सीन वगैरह, लेकिन ह्यूमन वैक्सीन जो है ज्यादातर आप सारी की सारी इम्पोर्ट कर रहे हैं और वो जो है सब्सिडाइज कॉस्ट पे इम्पोर्ट होती है। लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, वो ये कि जो आपने प्राइस की बात करी, तो इंडियन वैक्सीन, जो इंडिया में जो वैक्सीन अवेलेबल है वो 200 और 300 रुपए के दरमियान है। इंडियन प्राइस है ये उन्होंने ऐलान किया है राजेश भूषण ने, जो उनके सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन हेल्थ के। 200 और 300 इंडियन रुपीज, जो कि समझे 400 से 600 रुपए पाकिस्तानी रुपए दरमियान है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे पता चला है कि ये उसके कहीं ज्यादा कीमत पे बेची जाएगी, इंडिया में बहुत सस्ती होगी और इस पे हमें खास नजर रखनी है। That's why I'm asking to the Tawqeer साहब कि हमें इसके प्राइस के ऊपर अभी से सोच विचार करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 2000-3000 की एक वैक्सीन जो है वो, जबकि एक हुकूमत तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करने की बात कर रही है, लेकिन जाहिर है जब प्राइवेट सेक्टर की बात आएगी तो प्राइवेट सेक्टर अपना कहीं ना कहीं तो उसमें बचत और सारी चीजों को मलूजे खाते रखेगा। डॉक्टर साहब, क्या सजेस्ट करते हैं, क्या प्राइस कोड, वैसे ही मैं बात करूँ 1200 तक तो मैंने सुना है, लेकिन इसके अलावा आप क्या, आपको क्या लगता है क्या हो सकती है? ये डिफिकल्ट है कहना कि क्या प्राइसेस मंजूर होती हैं और मार्केट में किस प्राइस में आती है, लेकिन इसको इंटरनेशनली कंपेटिटिव रखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि इंडिया में किस प्राइस में बिक रही हैं, बांग्लादेश में किस प्राइसेस में बिक रही हैं, श्रीलंका में किस प्राइसेस में बिक रही हैं और पाकिस्तान में किस प्राइस में। ये ना हो कि यहाँ 5 गुना 10 गुना प्रॉफिटियरिंग की वजह से बीच में लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा चार्ज करें और आम आदमी को मुश्किलात पैदा हो जाएं। बिल्कुल ठीक है, खास नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अभी आपने की थी कि हम बहुत सारी वैक्सीन यहाँ नहीं बना रहे, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, इसी पर आगे भी बात करनी है। और जब हम कोविड की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है तौकीर अल हक साहब को आज जहमत देने का मामला ही यही है कि हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है ज़ाहिर बहुत बेहतर काम कर रहा है, लेकिन मजीद इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की गुंजाइश मौजूद है। तो ये सब कैसे मुमकिन हो सकेगा कि हम कम से कम इस सतह तक जरूर आ जाएं कि इस नौयत की वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएं? इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक। वक्त कम है इसलिए सबसे पहले जरा जाते हैं तौकीर साहब, बात यहाँ तक आ गई है कि ज़ाहिर है अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें बात में तकरार आ जाएगी, लेकिन प्राइस बहरहाल एक कंसर्न है हमारा। इस मामले को कैसे आप देखेंगे और कैसे कैचअप कर पाएंगे? मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्राइस आइसोलेशन में कंपनीज नहीं होंगी, इस पे चूंकि ड्रैप साथ है और साथ जो
जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो भी देखेगी कि वो उनकी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एक ऐसी डेडली डिजीज़ है, इसमें प्रॉफिट इज नॉट द ओनली थिंग, यस कॉस्ट होगी इसकी सर्टनली होगी, लेकिन ड्रैप भी हमें हमारे साथ है और हम मिलकर इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर कि इसकी प्राइस ऐसी हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे वो मुस्तफ़ीद हो सकें। तो वो इस पर अभी काम हो रहा है। मैं जैसे आपको पहले ही बात कर रहा हूँ कि इस प्राइस के साथ साथ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी अवेलेबिलिटी, और सेकेंडली एज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हम गवर्नमेंट के साथ हम अपनी सपोर्ट ये दे सकते हैं कि वी हैव अ वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास कोल्ड चेन है, माइनस जैसे ये जो रशियन आ रही है -18 डिग्री इसको मेंटेन करना है, यकीनन गवर्नमेंट ने भी इंतज़ाम किया है, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास कोल्ड चेन है, तो हम अपना रोल गवर्नमेंट को हम सपोर्ट कर सकते हैं कि वी कैन यू नो हेल्प देम आइडेंटिफाइंग द राइट डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि ना सिर्फ इसकी को मेंटेन रखें इसकी एफिकेसी को बाय मेंटेनिंग द टेम्परेचर जो -18 या जो भी है जिस भी उसका, और प्लस ये कि इसकी पूरे पाकिस्तान में हमारा एक्सेस है। तो इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है मेरे हिसाब से, तीन चीज़ें। नंबर वन, जल्द अज जल्द फैसला हो जो कि अभी ड्रैप कर रही है और तीन कंपनीज को ऑलरेडी हो गया है। सेकेंडली जो कंसर्न है वो ये है कि आपके नेबरिंग कंट्रीज़ में ये लगना शुरू हो गई है, जो भी इसको जल्द अज जल्द मंगाया जाए जिसपे गवर्नमेंट के साथ साथ जो लोग इस इम्पोर्ट करें उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तीसरी चीज़ ये है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसकी जो जो लोग जिन्होंने लगाना है उनकी ट्रेनिंग जो गवर्नमेंट कर रही है, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर, जो है ये सब चीजें साथ चलेंगी, तो एक साथ ही चलना है ये साइकिल, बिल्कुल सही। तो आखिर साहब मेरे पास वक्त कम है, लेकिन जरा मैं डॉक्टर था ये जानना चाह रही हूँ कि इस वैक्सीन से मुतालिक बहुत सारे अभाम हैं लोगों में कि लगा लेंगे तो कुछ हो जाएगा, ये नहीं लगाएंगे तो भी हो जाएगा, तो इससे बेहतर है ना ही लगाएं। इसकी थोड़ी क्लियरेंस बताएंगे आप हमें, ये कितनी जरूरी है कि जब ये वैक्सीन आए तो आप इसको लगाएं जरूर? नहीं, इसको लगाना ज़रूर चाहिए क्योंकि साइड इफेक्ट जो हैं जिनके ये प्रूव हैं बहुत माइनर साइड इफेक्ट हैं, सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है, सबको लगाना चाहिए, ये सिर्फ वहम है। लेकिन प्राइस के बारे में मैं ज़रा सा आपसे कहूँगा कि जो दो इंडियन वैक्सीन हैं, एक कोविशील्ड के नाम से है एक कोवैक्सीन के नाम से है। कोविशील्ड 200 रुपये में बिक रही है और जो कोवैक्सीन है वो 295 रुपये में बिक रही है, यानी कि ये 300 रुपये से कम प्राइस है। और जहां तक मुझे इल्म हुआ है पाकिस्तान में इससे 10 गुना या 50 गुना प्राइस लेने का, बिकॉज़ दिस इज पाकिस्तान डॉक्टर रहता, पाकिस्तान यहाँ इंडिया में 200 रुपए और 295 रुपए और एक करोड़ डोजेज ऑलरेडी सप्लाई हो चुकी है। एक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो दे रहा है और एक भारत बायोटेक। आई गॉट योर पॉइंट, बट एग्जैक्टली मैंने तौकीर से आपको इसीलिए आज जहमत दी थी कि हम जरा इसके प्राइस के ऊपर थोड़ा सा बात कर सके। जरा अभी फिक्स तो नहीं कर सकते बैठ के, लेकिन आपके पास कहीं ना कहीं से कुछ चीजें आ रहे होते हैं जिसके बाद आप नंबर्स कहीं ना कहीं एक जगह फिक्स करने की कोशिश करते हैं। वैद, वक्त कम रह गया है, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि एक तो इसकी अभी तक जो हमने बात की इन डिटेल जरा प्राइस के ऊपर बहुत बात। तो गाइज ये वीडियो होता है यहाँ पर खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से भारत की वैक्सीन की बातें कर रहा है, और पाकिस्तान के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं डॉक्टर अताउल रहमान, जो कि भारत को लेकर काफ़ी पॉजिटिव व्यू रखते हैं, जो भी भारत में डेवलपमेंट होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, मेडिकल फील्ड में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो चाहे अंतरिक्ष फील्ड में हो, ये काफ़ी पॉजिटिव बात करते हैं। इन्होंने, आपको याद होगा जब भारत का चंद्रयान मिशन थोड़े से मार्जिन से मिस हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तानी लोग भारत को ट्रोल कर रहे थे, पाकिस्तान भारत का मजाक उड़ा रहा था, पाकिस्तान में जो फवाद चौधरी और जो इमरान खान जैसे लोग हैं, मतलब इनके जैसे लोग, मतलब इन्हीं के पार्टी के लोग और जो भी इनके आवाम है, इतना मजाक उड़ा रहे थे भारत का, इतना ज़्यादा कि ये इस चीज़ में कैसा क्यों खर्च करते हो जब तुम्हारे बस का नहीं है, और ये वही लोग हैं, मतलब जो क्या बोलूँ अब मैं इनके बारे में आपको बताऊँ, तो ये वही इडियट लोग हैं, भारत का मजाक उड़ा रहे थे। तो वहाँ पर एक व्यक्ति था, मतलब एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट था जिसने भारत के वैज्ञानिकों की काफ़ी तारीफ़ की थी और मतलब बहुत अच्छी बातें की थी, तो उन्हीं का नाम है अताउर रहमान, और ये आज भारत की वैक्सीन को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, ये एज अ एक्सपर्ट हर चीज़ में पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में आ जाते हैं, कोई बात नहीं, पाकिस्तान में ऐसा होता रहता है। तो इन्होंने भारत की वैक्सीन का जो प्राइस कंपेरिज़न किया है रदर अदर कंट्री, तो आप समझ सकते हो कि भारत की वैक्सीन कितनी सस्ती है। उन्होंने बोला है कि अगर भारत की वैक्सीन पाकिस्तान में आती है तो इसका प्राइस लगभग 600-700 रुपये होगा, और अगर किसी दूसरे देश की वैक्सीन आती तो उसका प्राइस 5-6 हज़ार होगा। तो डेफिनेटली ये विलिंग शो कर रहे हैं भारत को लेकर
इंटरेस्टेड हैं कि भारत से पाकिस्तान में वैक्सीन आ जाए, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है घमंडी, उसको इतना एटीट्यूड है, ईगो है, जैसे कि वो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, उसको अब अपनी जनता वनता की कोई फिक्र नहीं है, वो पागल है पूरा। वो अर्णव गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट पर ट्वीट करता फिरता है, वो फालतू की चीज़ों पर ट्वीट करता, किसानों के मुद्दे पर ट्वीट कर दे कहो, उसको कोई भी अक्ल नहीं, वो इस तरीके की फालतू की बातों में काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत से वो वैक्सीन मांगेगा, और भारत अब ऐसा तो है नहीं कि हम घर में घुस के मारते हैं, ये नया इंडिया है तो इसको चेंज कर दें, हम घर में घुस के वैक्सीन देते हैं चाहे कोई मांगे या ना मांगे, ऐसा तो है नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। तो दोस्तों डिपेंड करता है इमरान खान पाकिस्तान गवर्नमेंट पर, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट भारत से मांगती है वैक्सीन तो डेफिनेटली भारत देगा, क्योंकि आपको पता है भारत का मोटो क्या है, हर किसी की मदद करना, ऐसा तो है नहीं। तो भारत ने अभी तक 50 देशों के लगभग कनेक्शन बन चुके हैं भारत से वैक्सीन लेने के, आपको पता है भारत के जितने आसपास के देश हैं सबको वैक्सीन पहुंच गई है, ब्राज़ील तक वैक्सीन पहुंच गई है, अरब देशों में वैक्सीन पहुंच रही है, अफ्रीकन देशों में वैक्सीन पहुंच रही है, साउथ एशियन कंट्री में वैक्सीन पहुंच रही है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों भारत की वैक्सीन की डिमांड क्या है। तो आपको क्या लगता है, भारत को पाकिस्तान को वैक्सीन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? डेफिनेटली अगर वो मांगेंगे तो डेफिनेटली देना चाहिए, क्या बुराई है आम लोगों को वैक्सीन लगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।